कोई कहता ना, एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड. बेवकूफ और अदाकार ये पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है ना. बॉर्न एक्टर, तो बॉर्न एक्टर तो होता है, आर्टिस्ट तो होता है जब भी वो आर्टिस्ट बनता है. अल्लाह तबारक को कहता है ना, एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड. बेवकूफ और अदाकार ये पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते. तो वो उन्हें ऐ समझ लो कि तुम सारे बेवकूफ हो. उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू ना देखो, ते सारे बेवकूफ. बना बनाया है ये सारे तो. बाकी काफी लोग थानू वेख के बेवकूफ बने, कहने लगा यार मैं तो बेवकूफ बन गया था उसको देख के. ए गल सही कीती है. पहले हो जाने सी, मैं क्या ऑपरेशन से बाद अगर कोई सियाणा को आंदा है ओ खालिद भट्ट, बिल्कुल हम खालिद सियाणा. ये नाम तुमने तुमने रखा, बिल्कुल सर. यार ये इस बात को नोट किया जाए, द पॉइंट टू बी नोटेड, कि सियाने और अकलमंद में फर्क होता है. सियाणा दे कां भी हुंदा है, कां जिहड़ा सियाणा कां हमेशा गंदगी ते टहिंदा है. मतलब मैंने राशिद महमूद साहब का तो नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है उनकी मसरूफियात अपनी लव किसी होर नु मिलने भी जिंदगी गुजरी गई है. राशिद महमूद ओ बच्चा आएगा जिहड़े चंगे भले लाफ्टर नू सीरियस कर देगा. पठान पठान नू बट बड़ाता, मतलब इथे ए वाजिबुल कतल है. ਇਥੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਸਵਾਰ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ. ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ੇਨ ਹੈ. ਆਏ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਿਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ. ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਥਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾ. ਕੌਣ ਸਾ APP जब तुम्हें मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. हाँ कहा यार, ये जब गया लमरा है कि ये मिलो दफ्तर चाइना चौक के पास उनका होता था, वहां एक मेरे घर मैंने कहा यार छोड़ो, मैं कहा यार नहीं. ये पहला वाकया था कि किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने या हेड ऑफ द स्टेट ने किसी अदाकार को या फनकार को खत लिखा हो. किसी ने आज तक नहीं लिखा था. तो मुझे मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इसके बाद शुरू हुए. जब उन्होंने खत लिखा तो फिर उन्होंने जल मुजीब से कहा कि ये हम 14 अगस्त को सबको तमगे देते हैं, एजाजात देते हैं,
तो क्या फनकार के लिए कोई एजाज़ नहीं है? उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे पास इस किस्म का कोई मेडल नहीं। ये मुझे ज़िया साहब ने खुद बताया था, अली नसीब के प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि ये मैंने फिर जनरल मुजीब से कहा था कि यहाँ फिर ऐसा है कि एक अवार्ड फनकारों के लिए भी फिर रख ले, बना लें। तो फिर जनरल मुजीब साहब ने फिर वो कहा कि मशवरा करके कि इस अवार्ड का नाम क्या रखें, यानी किस नाम से। उन्होंने कहा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर बेस्ट एक्टर कहेंगे तो वो बात नहीं बनती, वो एजाज़ फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तमगा हुस्न कारकर्दगी कहते हैं। ये फिर नाम हमने इस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का फिर तर्जुमा करवाया तो तमगा हुस्न कारकर्दगी। तो अगर देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आज लोगों को मिल रहे हैं, तो इसकी जो इब्तिदा है वो भी एक तरह से यानी मेरे से हुई कि मैंने यानी मेरे मुझे उस वक्त नहीं मिला था, मुझे फिर लेट मिला, यानी सजेशन मेरी ही थी एक तरह से। तो वो सबसे पहले फिर उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने उज़्मा गिलानी को दे दिया। फिर किसी ने कहा कि जी उज़्मा आप तो जूनियर हैं, तो उन्होंने कहा जी फिर कौन जी पहला एक्टर कौन था टीवी का, तो उन्होंने कहा जी कवि साहब। तो कवि साहब को फिर दूसरा मिला है, फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं जी अभी ये सीनियरिटी से, तो फिर एक दो और दिए गए। तो मुझे अब वो कहें कि जी फिरदौस साहब को कब उनकी बारी का, उन्होंने कहा जी वो बहुत से उसे जूनियर है, कहता है काम तो सबसे सीनियर वही कर रहा है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि कवि साहब को मिलने वाला जो वाकया है, इंशाल्लाह आप उसकी असली हकीकत जो है वो मैं यूट्यूब पे मैंने रखा हुआ ना, कि ये भी मैंने बताना कि उनको कैसे मिला और उनको कैसे, इसके पीछे कॉमेडी भी है। नहीं लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये जो एहसास हुआ ना गवर्नमेंट को या स्टेट को, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वजह से, वो बरगे आरजू की जो परफॉर्मेंस थी मेरी, वो ऐसी थी कि वो मतलब प्रेजेंट के जी इसको हम क्या दें, कौन सा वो है, कोई अवार्ड है, कोई क्या है। उन्होंने कहा जी वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मतलब है हम देते हैं खिलाड़ियों को, या कोई मतलब है कि आउटस्टैंडिंग कोई कोई को मुसन्निफ है और वो, तो उन्होंने कहा आउटस्टैंडिंग एक्टर को भी फिर दें। तो ये फिर अदाकारों में इजरा हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले उज़्मा आपा की कोई परफॉर्मेंस थी तो उज़्मा आपा को दे दिया। उन्होंने कहा जी उज़्मा तो आपा तो वो तो सीनियर नहीं है, सीनियरिटी से शुरू करें, बता दिया किसी ने फिर उनको। उन्होंने कहा मुझे देना था उन्होंने, फिर दास जमाल को। उन्होंने कहा जी वो तो जूनियर है, उनसे सीनियर अभी है, मतलब कवि साहब हैं, मतलब उज़्मा आपा हैं, तलत हुसैन हैं, आबिद अली हैं, हम सब सीनियर थे। तो वो उन्होंने फिर वो मेरा ख्याल तीसरा या चौथा फिर मुझे दिया, कि उन्होंने कहा जी बस करें उनको दे पहले। खैर एनीवे, कहने का मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें किसी बात से शुरू हो जाती, हालांकि इधर ध्यान नहीं पड़ा था पहले। तो वो बरगे आरज़ू की परफॉर्मेंस ऐसी हो गई कि स्टेट ने कहा कि जी अदाकार भी डिज़र्व करता है इसके लिए, तो अब अदाकार डिज़र्व को मुझे, उन्होंने कहा जी अदाकार डिज़र्व अगर करता है तो फिर सीनियर से शुरू करें। किस में है ये? नहीं, उसने फिर खत लिखा था 80 में, 81 में आपको खत आया था पहले? हाँ, मुझे उस वक्त अभी जरा नहीं हुआ था। 81 नहीं, ये उसका खत है ना, अक्टूबर, चूंकि अगस्त 14 अगस्त 1980 14 अगस्त का ये ड्रामा था, अशफाक साहब का लिखा हुआ था। हाँ, बरगे आरजू जुमे के दिन रात को 8 बजे। हाँ, बरगे आरजू ये हुआ था, मतलब 14 अगस्त के सिलसिले का ये ड्रामा था। तो ये फिर देखा था एलीट ने, चूंकि उस वक्त तो टीवी था ना, पीटीवी था, तो पीटीवी पे चला था, तो वो प्रेसिडेंट साहब ने भी देख लिया था उस वक्त जौलत। उन्होंने फिर जनरल मुजीब से कहा, जनरल मुजीब वॉज दी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, वो मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि जी ये, उन्होंने कहा जी इनको जो बड़ा एहसास है, जैसे निशान हैदर और इस तरह से जो मिलिट्री या सिविलियन अवार्ड्स उनको, तो उनका कोई है? उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा तो कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा फिर एक बनाए जो सबसे बड़ा हो। पूछा गया कि क्या, कि नाम क्या रखें जी उसका? उन्होंने कहा जी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस।